इलेक्शन कमीशन ने तौहीद इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी की मुआफी मुस्तरद कर दी है। फैसले में कहा गया है कि मामला हसास नौयत का है, इसमें मशरूत मुआफी से तलाफी नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफी की तहरीरी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। साबिक विफाकी वजीर को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मामला हसास नौयत का है, इसमें मशरूत मुआफी से तलाफी नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफी की तहरीरी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। साबिक विफाकी वजीर को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मामला हसास नौयत का है, इसमें मशरूत मुआफी से तलाफी नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफी की तहरीरी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। साबिक विफाकी वजीर को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि मामला हसास नौयत का है, इसमें मशरूत मुआफी से तलाफी नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी की मुआफी की तहरीरी दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। साबिक विफाकी वजीर को शो कॉज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है।